Good morning, respected principal, teachers and all my dear friends. Today we all are here for the occasion of International Youth Day. I am going to presenting my speech on Youth Day. Youth is the joy. This is time for development. This is time of growth and change. January 12th, the birth of Swami Vivekanand being is celebrated as National Youth Day. Swami Vivekanand was a great Hindu saint and his mother name was Bhumeshwari Devi and his father name was Vishwanath Dutta. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम डैनी जंग है। मैं कक्षा 3 फिट में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद महान देशभक्त और कुशल वक्ता थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनका पूरा नाम नरेंद्र विश्वनाथ दत्त था। उन्होंने रामकिशन मिशन और रामकिशन मठ की स्थापना की थी। उन्होंने अपने भाषण द्वारा पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया था। रामकिशन परमहंस उनके गुरु थे। 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में विवेकानंद ने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाई बहनों से की, जिसे सुनकर सभी लोग तालियां बजाने लगे। उनका जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद। नमस्कार मेरे शिक्षकों और दोस्तों, मेरा नाम रुद्रान शर्मा है और मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। और आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद भारत के महान व्यक्तियों में से एक थे। उनका जन्म कलकत्ता के दत्ता परिवार में 12 जनवरी 1863 को हुआ था और वो 9 भाई बहन थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। विवेकानंद नाम रियासत खेतकी के शासक अजीत सिंह ने दिया था। स्वामी विवेकानंद की माँ गहरी धार्मिक थी। उन्होंने कलकत्ता के विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और कानून का अध्ययन किया। उन्होंने अपने गुरु से सीखा कि ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करने के लिए मानवता की सेवा करने की दिशा में काम करना चाहिए। उनकी शिक्षाओं का समाज पर बहुत प्रभाव पड़ा। 4 जुलाई 1902 को उनका निधन हो गया। एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं का सभी व्यक्तियों द्वारा आत्मसात किया जाना चाहिए। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, माय नेम इज पवन बंसल। टुडे आई एम टेलिंग 5 लाइफ लेसंस से बाय स्वामी विवेकानंद जी। यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड, you believed in yourself. Arise awake and stop not until the goal is reached. In conflict between the heart and the brain, follow your heart. They live alone who live for others. Neither seek nor avoid that what comes. Thank you.
मेरा नाम अनिष्का सिंगल है, मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। भारत के इतिहास की गौरव गाथा गाती हूँ। आज मैं आप सभी को स्वामी विवेकानंद की जीवनी सुनाती हूँ। तारीख थी 12 जनवरी 1863, जब जन्मा नरेंद्र कलकत्ता में छुप गई थी लताएं बुटाएं, सारा संसार भी था उनकी वंदना में। हम इनको क्या याद करते हैं? ऐसा क्या किया था स्वामी जी ने हमारे पूरे भारत के लिए कि पूरा भारतवर्ष इनके जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाता है? स्वामी विवेकानंद इस नाम को किसी अनुमोदन या विज्ञापन की जरूरत नहीं है। हमारे भारतवर्ष में अनेकों महान हस्तियों ने जन्म लिया है और वो स्वामी जी के बारे में क्या क्या विचार रखते हैं मैं आपको बताती हूँ। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, अगर भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो। महात्मा गांधी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद को पढ़ने के बाद मेरी भारत के प्रति भक्ति 1000 गुना बढ़ गई है। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, अगर आज स्वामी विवेकानंद जीवित होते तो आज मैं उनके चरणों में बैठा होता। क्या जिस महापुरुष के बारे में ये सब बातें कही गई वो क्या कहते थे? गर्व से कहो हम हिंदू। क्या आप जानते हैं 11 सितंबर को क्या हुआ था? एक तारीख जिसके नाम से हमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के धमाके तो सुनाई देते हैं, लेकिन शिकागो सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद की अमृत वाणी नहीं सुनाई देती। शिकागो सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद की तारीख भी यही थी, 11 सितंबर 1893। क्या था वो भाषण जिसने अमेरिका को ही नहीं पश्चिम को भी भारत का मुरीद बना दिया? नरेंद्रनाथ दत्त जिन्हें पूरा संसार स्वामी विवेकानंद के नाम से जानता है, उस दिन भाषण में एक युवा सन्यासी ने सुरबुट वाले बड़े बड़े विद्वानों को बुरा साबित कर दिया। 11 सितंबर को हम न्यूयॉर्क के लिए नहीं शिकागो के लिए याद रखेंगे, विध्वंस के नहीं विश्व शांति के लिए याद रखेंगे। आइए अब चलते हैं 130 साल पहले क्या हुआ था। तारीख थी 11 सितंबर 1893। जंगे अमेरिका का सबसे घनी आबादी वाला शहर शिकागो अफसर विश्व धर्म संसद पाठ पूरी दुनिया से आए हुए अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधि और भारत की ओर से एक युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद। मौका तो था धर्म पर विचार विमर्श करने का, लेकिन दूसरों को छोटा और खुद को बड़ा समझने वाली पश्चिमी संस्कृति सैकड़ों विद्वानों के बीच बैठे हुए स्वामी विवेकानंद का मजाक उड़ा रही थी। उनके कपड़े भी सूट बूट वाले बड़े बड़े विद्वानों से मेल नहीं खा रहे थे। कदकाठी भी कोई खास नहीं था। उनके मस्तक पर ज्ञान का तेज तो था, लेकिन अहंकार नहीं था। भारत को तीसरी दुनिया मानने वाले, सपेरों का देश कहने वाले मन ही मन स्वामी जी पर हंस रहे थे। बड़ी बड़ी बातें करता है भारत, लेकिन जब आप बात आई मुकाबले की पीछे हट गया। एक लकड़ी के सिपाही को भेज दिया जंग लड़ने, ये तो हमारी एक तर्क की पहली तलवार का एक बार भी नहीं सह पाएगा, चटक जाएगा। स्वामी जी सभा में चुप बैठे रहे। अलग अलग धर्म के अलग अलग लोग को सुनते रहे। अलग अलग धर्म थे, अलग अलग लोग थे, लेकिन सबका दावा एक ही था, मेरे धर्म जैसा कोई धर्म नहीं, मेरे वंश जैसा कोई वंश नहीं, मेरे सिद्धांत जैसा कोई सिद्धांत नहीं। थोड़ी देर बाद मंच पर स्वामी जी का नाम पुकारा गया। तभी उनकी उम्र थी मात्र 30 साल। 30 वर्ष का ज्योति गुंज था ज्ञान पुंज का, सुरभि गुंज था मस्तक पर अनुरिम रेखा, चकित रह क्या जिसने देखा, शब्द सुदर्शन धारी था वो, देवदूत अवतारी था वो। स्वामी जी द्वारा बोले गए वो पहले 5 शब्द थे, ध्यान से सुनिएगा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के भाइयों और बहनों। 7000 लोग मनमुग्ध रह गए, जैसे कि कोई
जादू देख लिया, ईश्वर की आवाज सुन लियो। 2 मिनट तक तालियां बजती रही, जबकि स्वामी जी ने अभी तक तो कुछ नहीं कहा था। दुनिया का बड़ा से बड़ा विद्वान भी ये बात नहीं समझ पाया कि एक भारतीय परायों को अपना कैसे बना लेते हैं, भेदभाव नहीं करते। वसुंधरा कुटुंबकम हमारी संस्कृति थी, है और रहनी चाहिए। हमारे लिए कोई काले घोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और नाता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक नर में है, नारी में अभी तक सीता है। इतनी ममता नदियों को माता कहकर बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। जिस धरती पर मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। अगली सुबह अमेरिका के अखबारों के पन्ने स्वामी जी की प्रशंसा से भरे हुए थे। हमें स्वामी जी के जीवन से यही सीख लेनी चाहिए कि बुराई का जवाब बुराई से नहीं, अच्छाई से देना चाहिए। कब से कहो हम हिंदू हैं, कब से कहो हम भारतीय। धन्यवाद।